Hi investors, welcome to SOIC. So in today's stock analysis, we'll be talking about a company which operates in a very niche segment. And tire industry mein shayad se sabse zyada differentiated business model puri country mein inka hi hai. Name of the company is Balkrishna Industries. But before doing the business analysis, I would like to lay emphasis on two things. Main aapko do cheeze pehle samjhana chahunga. Ek to mental model ki baat karenge. And secondly, hum baat karenge ye kaun se space mein operate karte hain, off the highway tires hote kya hain. So coming to the mental model first. So name of the mental model is Antifragile, which is given by Nicholas Nassim Taleb, jo ek US mein bahut hi famous author and unka ek hedge fund bhi hai, wo chalate hain. So what anti-fragility means is ki there are three kinds of strength. Ek strength hoti hai jo cheez hum kehte hain jo fragile hoti hai. So basically aapne kafi bari dabbo pe padha hoga handle with care fragile. So basically what happens is ki kabhi bhi us pe agar aap stress apply karoge to that thing will break down because it is fragile. Second kind of strength that is robustness. तो कोई भी चीज पे अगर आप प्रेशर डालते हो बट वो चीज टूटती नहीं है, अपनी प्लेस में ही रहती है, तो उसको हम रोबस्ट कहते हैं. बट द थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट देयर इज इन द वर्ल्ड इज एंटी फ्रेजाइल. कि आप कभी भी उस चीज पे स्ट्रेस डालेंगे, वो चीज इंस्टेड ऑफ बीइंग रोबस्ट और इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रेजाइल, इट गेन्स स्ट्रेंथ. माने वो केओस के थ्रू स्ट्रेंथ गेन करती है. तो हम ये मेंटल मॉडल बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल में भी अप्लाई करेंगे बाद में. And second thing which I would like you to understand before I start the business analysis is ki off the highway tires hote kya hain. So off the highway tires, like the word says, off the highway. So basically these are your tires which are used in agriculture, mining, construction and industrial. तो एग्जाम्पल लेते हैं एग्रीकल्चर में. जो आपका टायर ट्रैक्टर में यूज होता है, जो हार्वेस्टर में यूज होता है, जो आपका टायर इरिगेटर में यूज होता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं ऑफ द हाईवे टायर मेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. एंड जो ऑफ द रोड टायर है वो आपके माइनिंग के अंदर यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यूज होते हैं. एंड जो सी पोर्ट्स पे जो आप जो कंटेनर हैंडलर होते हैं उसमें भी ओटीआर टायर्स यूज होते हैं. तो बालकृष्णा ऑपरेट्स इन दिस इंडस्ट्री. एंड टोटली अगर हम ग्लोबली वर्ल्ड में देखें तो इंटायर टायर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज वैल्यूड एट $150 billion. उसमें से 10% ऑफ द हाईवे टायर्स है. बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर $150 billion इज द इंटायर टायर इंडस्ट्री, तो ओटीएच टायर इज ओनली 10% ऑफ इट, दैट इज $15 billion. एंड इसमें से भी $7.5 billion इज मेंट फॉर द रिप्लेसमेंट मार्केट एंड $7.5 billion इज मेंट फॉर द ओईएम मार्केट. And why is OTH sector really really interesting? One of the major reasons is ki ye bahut zyada labor intensive kaam hai. To yahan pe as compared to passenger vehicle tire jo MRF ya aapka Apollo banata hai, to usme aur isme kya farak hai ki yahan pe aapko SKUs bahut zyada chahiye, basically stock keeping units. To Balkrishna Industries ka ek example lete hain, kuch 2700 SKUs ke aas paas hain. Whereas MRF के बिजनेस में और अपोलो के बिजनेस में क्या है कि आपका एक सिंगल SKU है एंड उस पर आप मिलियंस ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको बार बार चेंज नहीं करना. Whereas यहाँ पे आपका पूरा जो सोल्यूशन है दैट इज टोटली कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स नीड. सो दिस इज वाई OTH सेगमेंट इज रियली इंटरेस्टिंग. एंड आउट ऑफ इंडिया देर आर नॉट मोर देन 3 प्लेयर्स हु ऑपरेट इन द OTH सेगमेंट. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस एनालिसिस ऑफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज. तो इस बिजनेस एनालिसिस को बेसिकली हमने 5 to 6 पार्ट्स में बांटा है. सो इन द फर्स्ट पार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज. इन द सेकंड पार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ बालकृष्णा. इन द थर्ड एस्पेक्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द की कंपेटिटिव एडवांटेजेस एंड द कैपेक्स प्लान ऑफ बालकृष्णा. इन द फोर्थ एस्पेक्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द की फाइनेंशियल्स एंड द सोर्सेज ऑफ रिस्क. And the last part, we'll be coming to the valuations of the company and industry cycles, ki kya aapko is business ke andar cheeze dekhni chahiye before doing the valuation. So coming to the business history of the company. So Balkrishna Industries was established way back in 1987 and it belongs to the CRM group, right? And 1987 mein jab Balkrishna established hui thi, to it was a two-wheeler tire manufacturer which was catering to Bajaj Auto. And wahan pe inka first plant was at Aurangabad. And 1992 में they came up with a plant for light commercial vehicle. जो हल्के trucks हैं basically उनके लिए इन्होंने एक plant लगाया. But problem क्या थी इस business के अंदर कि ये business बहुत commoditized business था, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई margin बन नहीं पा रहा था, pricing power आपके पास थी नहीं, तो company was bleeding money. तो 1990s में इनका turnover 40 crores के ऊपर cross नहीं करा.
And at this time, Mahan Sariyas were the ones who were leading the company. Why is this point important? Because sources of risk mein bahut bada risk aayega, uske bare mein main aapko bataunga. So remember that Mahan Sariyas were leading the company and the business was owned by Poddar family. So Mahan Sariyas ka kuch 5.13% stake tha. So Ashok Mahan Sariyas and Yogesh Mahan Sariyas were the key were the KMPs of the company at that time. And 1995 mein unhone observe kara ki India se kaun sa tire export ho sakta hai kyunki domestic market mein to bahut zyada competition tha. To export segment mein unhone check kara kya hum scooter ke tires export kar sakte hain. To scooter ki koi demand nahi thi bahar kyunki bahar itna scooter bikta hi nahi. To scooter ke tires ka export nahi ho sakta tha. Similarly commercial vehicles ka tire export nahi ho sakta tha because wahan pe jo at that time जो बाहर commercial vehicles चलती थी उनके उनका जो size था वो different था as compared to Indian ones. So they got to know कि export में of the highway tires की काफी demand है, OTH tires की. So these are your niche tires जिसकी हमने पहले ही बात करी थी, होते क्या है. तो 1995 में इनको first एक बहुत छोटा सा order मिला from a European customer and from a customer in US and इन्होंने उसको execute करा which marked their entry into of the highway tire business. And since 1995 till 2001, they were struggling with off the highway tire business too, because this is a long gestation business. आपको distribution बनानी है, आपको different countries में जाके पूरा business model set up करना है, आपको OEM market को cater करने की try करनी है, replacement market को cater करने की try करनी है, आपको brand build करना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा time taking process है. But 2001 में योगेश Mahan Sariyas ने क्या notice करा कि जो भी हम पैसा export business में कमा रहे हैं वो हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसके अंदर बर्न हो रहा है. तो इन 2002 ही टुक द डिसीजन ऑफ शटिंग डाउन इस पैसेंजर व्हीकल सॉरी टू व्हीलर व्हीकल बिजनेस एंड द सेकंड बिजनेस ऑफ लाइट कमर्शियल व्हीकल्स. तो डोमेस्टिक बिजनेस को बंद करके ही स्टार्टेड टोटली फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट बिजनेस. नाउ लेट्स जस्ट सी द पावर ऑफ फोकस. Like what Warren Buffett and Bill Gates say, कि अगर कोई एक वर्ड है हमारे सक्सेस की रीजन का, that is focus. Similarly, this thing played out over here too. तो 5 साल में, from 1997 till 2002, इनके revenues of the highway tire business में, from 0 till $10 million ही हुए थे कुछ. But from 2002 till 2007, within a short span of 5 years, because they started focusing on only off the highway tire business, inka revenue $10 million se $120 million ho gaya. Basically 12x ke aaspaas ho gaya. And moreover, what is important to realize is, ki is time pe koi bhi passenger vehicle company, jo MRF ya fir hum अपोलो की बात करते हैं, तो इनका फोकस था ही नहीं ऑफ द हाईवे टायर बिजनेस पे. क्यों नहीं था? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, जो आज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की कंपेटिटिव एडवांटेज है जिसकी हम बात करेंगे. पर 2007 में क्या हुआ, इनकी बिजनेस में की डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि बिजनेस अच्छे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया था. आई थिंक 600 करोड़ के इस टाइम पे रेवेन्यूज हो गया था इनका. तो द Poddar फैमिली सॉ दिस एंड दे टुक ओवर द बिजनेस. दे बेसिकली asked Mahan Sariyas to leave the business, right? So Mahan Sariyas, who built the business from scratch, had to leave the company. So Mahan Sariyas ki bhi hum baad mein baat karenge, jo humare key sources of risk mein aa jayega. And ever since 2007, the Poddar family has been leading the business. Now coming to the business model of the company, तो basically off the highway tire segment में जैसे हमने पहले बात करी थी कि एक agriculture segment है और एक OTR segment है, तो Balkrishna Industries दोनों segment में operate करती है. And agriculture में इनका business आज ज़्यादा focused है. तो 65% of their sales come from the agriculture segment and 35% come from the OTR segment. अब agriculture में भी क्या समझने वाली बात है कि एक तो आपका replacement business है और एक आपका OEM business है. तो इनका replacement business में ज्यादा मार्केट शेयर है एग्रीकल्चर वाले में भी. एंड आई थिंक सो टोटल में 70-71% ऑफ देयर बिजनेस वॉल्यूम्स कम फ्रॉम द रिप्लेसमेंट मार्केट. एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि एग्रीकल्चर टायर का जो रिप्लेसमेंट साइकिल है दैट इज समवेयर बिटवीन 3-4 ईयर्स. इसको आप जरूर याद करना क्योंकि OTR सेगमेंट में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. एंड कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट इज कि OEM में देयर की कस्टमर्स आर मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज. तो दे आर सप्लाइंग टायर्स टू जॉन डेरी कंपनीज लाइक जॉन डेरी to companies which manufacture tractors in Italy. So all of the global MNCs who manufacture tractors are their clients, right? Now second business which they have is that of OTR segment, that is off the road segment. So yahan pe ye mining ke liye, construction ke liye, industrial activity ke liye and ports ke liye tire supply karte hain.
तो जो माइनिंग वाला सेगमेंट है इनका भी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, उसकी बाद में बात करते हैं। पहले इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो इनका टायर यूज होता है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट साइकिल 1.5 to 2 ईयर्स के आसपास है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इज मोर लाइक एन्युइटी, कि अगर आपका एक अच्छा ब्रांड बन जाए तो एन्युइटी क्रिएट हो जाती है। एंड मोर ओवर जो इन्होंने माइनिंग सेगमेंट अभी एंटर करा है, तो माइनिंग सेगमेंट में जो इनका बिजनेस है दैट हैज रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ ओनली 1 ईयर। वहां पे टायर एक साल में ही रिप्लेस करना पड़ जाता है, बिकॉज ऑल द रिप्लेसमेंट साइकिल डिपेंड्स अपॉन द यूसेज ऑफ द टायर। तो माइनिंग में इनको काफी बेनिफिट हो सकता है बिकॉज दे हैव रिसेंटली एंटर्ड। एंड इवन इन दिस सेगमेंट दे आर मेजरली केटरिंग टू द रिप्लेसमेंट मार्केट एंड द ओईएम मार्केट। तो ओईएम में कैटरपिलर, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, इज वन ऑफ देयर की कस्टमर्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज बिल्ट ऑन द की कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट। क्योंकि जो इनके कंपेटिटर्स हैं, अगर हम उनका लेबर कॉस्ट देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो दैट इज समवेयर बिटवीन 26 to 28%। आज इंडिया का की कंपेटिटिव एडवांटेज ये क्या है? कोई भी हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देखते हैं इंडिया की जो अच्छी कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। जो क्रैम्स और सीडीएमओ इंडस्ट्री भी हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सेकेंडली इज लोअर लेबर कॉस्ट। सिमिलरली बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रेंड। तो यहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे इनका सिर्फ 6 to 7% लेबर कॉस्ट है एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो हाउ डज दिस प्ले एन एडवांटेज? इसकी पहला एडवांटेज तो लेबर कॉस्ट है, सेकंड इनका जो कॉस्ट एडवांटेज आता है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू। तो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जो इनके कंपेटिटर हैं बाय द नेम ऑफ मिशलिन। तो व्हाट मिशलिन डज इसकी, अगर वो यूरोप में ऑफ द हाईवे टायर बेच रहे हैं, तो व्हाट दे विल डू दैट दे विल ऑल्सो ओपन देयर ओन स्टोर। तो खुद की दुकान खोलने से क्या होता है कि आपका खर्चा बढ़ जाता है। बट व्हाट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज डज इसकी, इंडिया से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका कुछ वैल्यू चेन ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन का, बालकृष्णा मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ इंडिया एंड देन दे अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिफरेंट रीजन्स, और जो आगे से डिस्ट्रीब्यूटर है वो डीलर्स को देते हैं। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज क्या करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर कॉस्ट काफी लो है, तो बालकृष्णा इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर को 13 to 14% का मार्जिन देता है। वेरस जो इनके जो आसपास जो इनके कंपेटिटर हैं कंपनीज लाइक मिशलिन, ये डिस्ट्रीब्यूटर को 4-5% का ही मार्जिन दे पाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी और इंसेंटिव हो जाता है। एंड मोर ओवर व्हाट हैपेंस इसकी, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का सेलिंग कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को खुद की शॉप्स नहीं लगानी पड़ी न्यू ज्योग्राफीज में। तो अगर हम इनका यहाँ पे ज्योग्राफिकल सेगमेंट ब्रेकअप देखेंगे, तो यूरोप इज वन ऑफ देयर की ज्योग्राफीज। तो यूरोप 49 to 50% ऑफ द सेल्स है। एंड यहाँ पे ये बात भी अब बहुत इंपॉर्टेंटली रिमेंबर रखना, क्योंकि जब हम रिस्क की बात करेंगे तो यहाँ पे यूरोप का भी एक बहुत बड़ा रिस्क आएगा। 16% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम यूएस एंड 19% इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, एंड द रेस्ट ऑफ द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, माने कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। एंड मोर ओवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर इज की बालकृष्णा इंडस्ट्रीज टुडे इज एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 160 कंट्रीज ऑफ द हाईवे टायर्स। सो दैट इज वन ऑफ द ट्रूली लाइक रिमार्केबल फीट्स कि आप 160 कंट्रीज से ज्यादा को ऑफ द हाईवे टायर नाम की एक चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर हम बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर देखते हैं, तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में ऑफ द हाईवे टायर्स के बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का कुछ 8% मार्केट शेयर है। वेयरएज ओटीआर सेगमेंट में जो माइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं, यहाँ पे इनका कुछ 2 to 2.5% मार्केट शेयर ही है। वेयरएज इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू नोट कि जो ओटीआर सेगमेंट है यहाँ पे टोटल मार्केट साइज $10 billion है, वेयरएज एग्रीकल्चर में सिर्फ $5 billion के आसपास ही मार्केट साइज है। एंड मोर ओवर यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट जो सेगमेंट है उसके अंदर ज्यादा strong as compared to the OEM segment. And what is also interesting to note, इसकी जो यूरोप इनकी जो की ज्योग्राफी है जहां पे 50% इनकी सेल्स आती है, वहां पे इनका मार्केट शेयर इज समवेयर बिटवीन 12 to 15% फॉर द एग्रीकल्चर टायर्स। एंड यूएस में इनका 7 to 10% मार्केट शेयर है फॉर द एग्रीकल्चर टायर्स। तो यूरोप में दे आर वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट मार्केट। तो करंटली दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ 300,000 tons पर एनम, एंड इस कैपेसिटी में इनका यूटिलाइजेशन लेवल कुछ 60 to 65% ही है। तो माने 2 lakh tons per annum की ही कैपेसिटी अभी यूटिलाइज हो रही है।
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नोटिस करनी है कि इस बारी कोविड की वजह से काफी ज्यादा टायर कंपनीज को डिसरप्शन हुआ है, पर लेट्स जस्ट कंपेयर जो बाकी पैसेंजर व्हीकल टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक योर MRFN या अपोलो, उनका एक बारी वॉल्यूम डीग्रोथ कंपेयर करते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के साथ। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम डीग्रोथ सिर्फ 20-22% था, एंड जो EBITDA का डीग्रोथ था, डेट इज योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो सिर्फ 15% ही है, whereas MRF एंड बाकी प्लेयर्स का मोर देन 30-35% है। तो दिस जस्ट शोज अस द काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल दैट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज हैज बिल्ट। सो दिस वॉज मोर और लेस ऑल अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ बालकृष्णा। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज नोटिस करनी है कि जो ऑफ द रोड टायर सेगमेंट इन्होंने एंटर करा है 10-12 ईयर्स अगो, यहाँ पे एक बार इनकी वॉल्यूम ग्रोथ चेक करते हैं। तो फ्रॉम 20-23,000 मेट्रिक टन पर एनम, इनका वॉल्यूम आज कुछ 75-78,000 मेट्रिक टन पर एनम हो चुका है, whereas एग्रीकल्चर सेगमेंट पे इनका वॉल्यूम हैज मेयरली डबल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर लास्ट 10 ईयर्स पहले इनका कैपेसिटी जो था यूटिलाइज हो रहा था, अगर ये 111,000 टन पर एनम टायर बेच रहे थे और इस बार ये 200,000 टन पर एनम टायर बेच रहे हैं, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी 7-8x कैसे हो गया लास्ट 10 ईयर्स में? द आंसर लाइज इन प्राइसिंग, रॉ मटेरियल कंट्रोल एंड इंक्रीज रियलाइजेशंस। तो अगर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का अगर हम इबिट्टा पर केजी देखते हैं, माने अगर एक किलो का टायर बिकता है उस पर कितना इबिट्टा कमा रहे हैं, तो फ्रॉम 32 रुपीज इबिट्टा पर केजी, देयर इबिट्टा हैज रिजन टू क्लोज टू 65-68 रुपीज पर केजी, माने इबिट्टा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पर केजी लास्ट इंटायर डेकेड में। वॉल्यूम्स हैव मेयरली डबल्ड, बट साथ साथ जो प्राइसिंग ग्रोथ आई है दैट हैज गिवन देम अ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ऑफ 15-20% इन द लास्ट एंटायर डेकेड। सो दिस इज व्हाट वी कीप ऑन डूइंग कि हम पर यूनिट लेवल पे आके कभी कभी हम मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, एंड कभी कभी पर यूनिट लेवल पे आके हम इबिट्टा कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दिस जस्ट टेल्स अस कि वेयर द बिजनेस इज हेडेड। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में यही हुआ है, दिस इज व्हाई देयर मार्जिंस हैव इंप्रूव्ड एज वेल। So now the key question arises कि since this is the largest tire company in India in terms of market cap, what has led to this outcome? ये outcome आया कैसे? तो एक बार ये अब इनके key competitive advantages देखते हैं। तो पहले की कंपेटेटिव एडवांटेज की हमने पहले भी बात कर ली थी कि इंडिया में लेबर कॉस्ट सिर्फ 5-7% या सेल्स का, whereas मिशलिन एंड इन सब का लेबर कॉस्ट कुछ 26-28% है, और इनके की कंपेटिटर्स टाइटन, ट्रेलबॉग, मिशलिन जैसी कंपनीज हैं, एंड दीज कंपनीज हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस इन वेस्टर्न कंट्रीज, whereas दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सेकेंड की कंपेटेटिव एडवांटेज इज दैट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज अ फुल्ली फोकस्ड प्लेयर। तो माइकल पोर्टर कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी में भी बताते हैं कि या तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं, या तो आप फोकस कर सकते हैं। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने फोकस कराए एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके आए हैं। तो फोकस में क्या पर्पज है कि जो मिशलिन इनका एक कंपेटिटर है, ऑफ द हाईवे टायर उनकी सेल्स का सिर्फ 7-10% ही है, whereas majority of the sales come from passenger vehicle tires and other kinds of tires. तो इस इंडस्ट्री में उनका इतना फोकस नहीं है। Whereas बालकृष्णा इंडस्ट्रीज exports 85-90% of their entire volume, and moreover, this is the only segment that they operate in. तो फोकस का एक एडवांटेज तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। थर्ड की कंपेटिटिव एडवांटेज इज कि इफ यू लुक एट कंपनीज लाइक टाइटन इंटरनेशनल एंड अदर कंपनीज, तो हमने जो लेबर कॉस्ट की बात करी थी, सिमिलर थिंग अप्लाइज इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स टू। तो बालकृष्णा इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग मार्जिन 26-27% के आसपास है, whereas टाइटन इंटरनेशनल इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अगर यहाँ पे हम उनका इबिट्टा मार्जिन चेक करते हैं तो देर इबिट्टा देर ईबिट मार्जिन आर नेगेटिव एज ऑफ नाउ, whereas बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ईबिट मार्जिन आर एट 26-27%। नेक्स्ट की कंपेटिटिव एडवांटेज इज दैट ऑफ कस्टमाइजेशन। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में दे हैव क्लोज टू 2700 SKUs, माने बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड ऑफरिंग है। तो जो पैसेंजर व्हीकल टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बिजनेस में आना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ही SKU के काफी ज्यादा यूनिट्स बेच देते हैं। एंड लास्ट वन इज अगेन फोकस में क्या रिलेटेड है कि अगर हम इनके कंपेटिटर्स को देखें तो दे आर डाइवेस्टिंग देयर ऑफ द हाईवे टायर बिजनेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि अगर कंपेटिटर ही अपना बिजनेस डाइवेस्ट कर रहा है बार बार, तो दिस मीन्स दैट दे आर नॉट टू इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, राइट? सो दीज आर द की कंपेटिटिव एडवांटेजेस दैट आर बिल्ट इन टू द बिजनेस मॉडल।
एक बार कंपनी के कैपेक्स और फ्यूचर प्लान्स देखते हैं। तो राइट नाउ कंपनी इज इंकरिंग अ कैपेक्स ऑफ 500 करोड़ ईच एट वालोज एंड भुज, एंड दे हैव आल्सो डन बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर कार्बन ब्लैक प्लांट। अब एक बार ही पहले इनका रॉ मटेरियल का वैल्यू चेन समझते हैं। तो 35-36% ऑफ देयर रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज स्पेंड फॉर नेचुरल रबर, बाकी 15-16% सिंथेटिक रबर से आता है, एंड 27% बाय ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम इज फ्रॉम कार्बन ब्लैक एंड रेस्ट इज फ्रॉम क्रूड डेरिवेटिव्स। आई थिंक 3% जो लीड वायल्स है उससे भी आता है। तो कार्बन ब्लैक में पीछे क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इनको मार्केट में कार्बन ब्लैक की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो दे हैड टू प्रोड्यूस टायर्स बट दे कुडंट फाइंड कार्बन ब्लैक। सो व्हाट दे डिड वाज कि दे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू कार्बन ब्लैक इटसेल्फ। तो इन्होंने कुछ 1,40,000 MTPA की कैपेसिटी लगाई है, एंड इसमें से ये क्या करने वाले हैं कि 80-90,000 टन्स पर एनम का कार्बन ब्लैक तो इनके अंदर ही यूज हो जाएगा, एंड जो बाकी बचेगा दैट दे विल बी सेलिंग इन द मार्केट। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे इनका जो मार्जिन है वो 1.25%-1.5% से एक्सपैंड कर जाएगा, बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो ये मार्केट में बेचेंगे उसमें मार्जिन्स वुड बी लोअर एज कम्पेयर टू देयर करंट बिजनेस। बट वी नीड टू थिंक कि व्हाई डिड द मैनेजमेंट इंस्टॉल अ प्लांट ऑफ 1,40,000 टन्स पर एनम नोइंग कि इनको सिर्फ 80,000-90,000 टन्स पर एनम की ही जरूरत है। डैट इज बिकॉज इनका जो नेक्स्ट कैपेक्स प्लान है, तो आई थिंक सो भुज में दे हैव अ लैंड ऑफ 380 एकर्स। तो 380 एकर्स की लैंड है भुज में जिसपे दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग समवेयर क्लोज टू 1,40,000 टन पर एनम। सो दे हैव अ प्लांट ऑफ डू दे हैव अ प्लान ऑफ डूइंग अ ब्राउनफील्ड कैपेक्स समवेयर इन द फ्यूचर व्हेन द डिमांड कम्स बैक। तो जैसी डिमांड वापस आएगी तो दे कैन पुट अप अनदर प्लांट ऑफ 1,50,000 टन पर एनम। तो उससे क्या होएगा कि जब एक और प्लांट डल जाएगा तो पूरी जो यूटिलाइजेशन या पूरी कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ कार्बन ब्लैक वुड हैपन इनसाइड द हाउस ओनली। और जो भुज और वालुज में अभी इनका केपेक्स चल रहा है, तो वालुज में जो इनका केपेक्स चल रहा है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड प्लांट, क्योंकि वो प्लांट बहुत ओल्ड हो गया था तो उसको ये रिप्लेस कर रहे हैं। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन टू। बट प्रॉब्लम ओवर हियर इज गाइज दिस इज नॉट अ ग्रोथ कैपेक्स, दिस इज अ रिप्लेसमेंट और अ मेंटेनेंस कैपेक्स विच अ बिजनेस हैज टू इनकर। तो यहां से इनका रिटर्न रेशियोज कैन बेसिकली गो डाउन अ बिट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये प्लांट आपका ना तो एक्सपेंशन के लिए है, सिर्फ एफिशिएंसी के लिए है। शायद से कॉस्ट सेविंग हो सकती है, बट जब डेप्रिसिएशन आएगी बैलेंस शीट पे या जब एसेट एक और आएगा बैलेंस शीट पे तो आपकी रिटर्न रेशियोज थोड़ी सी बिगड़ सकती है। मेरा जो इनका सेकेंड कैपेक्स भुज में हो रहा है इस टाइम पे डैट इज ऑल्सो 500 करोड़, सो उसमें ये मिक्सिंग का प्लांट लगा रहे हैं फॉर 150 करोड़, और उसमें वेयर हाउस भी है 150 करोड़ में। बाकी 350 करोड़ का दे आर पुटिंग अप ऑल स्टील रेडियल टायर्स फॉर OTR सेगमेंट। अब ऑल स्टील रेडियल टायर्स के हैं तो दो तरीके के टायर्स होते हैं, एक तो रेडियल और एक तो बायस टायर। ये हम किसी और वीडियो में भी आपको समझाएंगे, बट बेसिकली रीजन क्या है रेडियल टायर्स का कि रेडियल टायर्स अब्सॉर्ब हीट इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू बायस टायर्स। एंड रेडियल टायर्स एज ऑफ नाउ वैल्यू माइग्रेशन चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। व्हाट इज हैपनिंग इज कि रेडियल टायर्स आर विनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द बायस टायर्स। तो OCCL नाम की भी कंपनी, काफी हम लोग हमसे पूछते हैं इसके बारे में क्वेश्चन, जो इनसॉल्युबल सल्फर बनाती है, सो दे हैव रिडन द ट्रेंड ऑफ रेडियलाइजेशन ऑफ टायर्स। तो सिमिलरली इन्होंने स्टील रेडियल टायर की एक फैसिलिटी लगाई है 350 करोड़ की एट देयर भुज प्लांट, एंड दिस फैसिलिटी विल मैन्युफैक्चर टायर्स ऑफ 57 इंच डाया, माने 57 इंच डायामीटर तक के ये टायर बनाएंगे। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 8-10 फीट के टायर होंगे ये, विच इज वेरी ह्यूज इन साइज। एंड मोर ओवर इन टायर्स में दे विल गेट अ ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ समवेयर बिटवीन 33-34%, विच इज ऑन हायर साइड ऑफ थिंग्स। यार कंपनी का अगर आज OPM 26-27% है तो यहाँ पे 33-34% के आसपास बन सकता है। सो देर वॉज ऑल्सो एन आर्टिकल इन द न्यूज दैट द मोस्ट एक्सपेंसिव टायर इन द वर्ल्ड विच इज एन OTR ऑल स्टील रेडियल टायर कॉस्ट क्लोज टू 40 लाख रुपीज। तो अगर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज उसको काफी कम कॉस्ट पे बेचेगा, दैट इज व्हाट द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज। तो ये वाला कैपेक्स कैन बी पोटेंशियली अ ग्रोथ ट्रिगर अगर यहीं पे और कैपेक्स हो जाए, तो इट विल टेक सम टाइम टू फुलफिल द कैपेसिटी। दीज आर द कैपेक्स प्लान्स ऑफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ रिस्क, हमने आपसे कहा था कि रिमेंबर योगेश मानसरिया एंड ऑल्सो रिमेंबर यूरोप।
तो व्हाट योगेश मानसरिया हैज डन दैट एवर सिंस ही लेफ्ट द कंपनी ही सेट अप फर्स्टली ही सेट अप अलायंस टायर्स. तो इन्होंने अलायंस टायर लगाया था विच एक्चुअली वॉज फंडेड बाय वॉरबर्ग पिंकस जो एक पी फंड है. तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी योगेश मानसरिया की एंड इवन दे मैन्युफैक्चर क्लोज टू 2500 to 2600 SKUs. नाउ दैट कंपनी हैज बीन सोल्ड आउट टू योकोहामा बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनके भी दो प्लांट्स इंडिया में और एक प्लांट इसराइल में है. तो इंडिया से ये भी लो लेबर कॉस्ट का एडवांटेज लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं. Whereas योगेश मानसरिया ने रिसेंटली क्या करा है, इन 2019 ही ऑल्सो सेटअप हिज ओन प्राइवेट वेंचर. MPIL के नाम से इन्होंने एक वेंचर सेटअप करा है, मानसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड समथिंग लाइक दैट. एंड यहाँ पे 40,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी लगाई है. तो अगेन दिस इज अ गाय हु नोज हाउ टू रन ऑफ द हाईवे टायर बिजनेस. तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज समवेयर इन द फ्यूचर कैन हैव कॉम्पिटिशन ऑन द सप्लाई साइड, राइट? क्योंकि अभी तो 40,000 टन्स पर एनम का ही प्लांट है विच हैज बीन फंडेड बाय IFC. तो शायद से वो भी धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन करेंगे. सो दिस इज वन थिंग टू ट्रैक फॉर कि सप्लाई साइड पे क्या चल रहा है. सेकेंड सोर्स ऑफ रिस्क दैट इज देयर इन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज टूडे इज द साइक्लिकलिटी एलिमेंट. दिस इज नॉट अ कम्प्लीटली स्ट्रक्चरल बिजनेस. तो अगर एक बार हम इनका वॉल्यूम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो 60 to 65% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. वेराज इन्होंने जो 3 लाख टन्स पर एनम का एक्सपेंशन करा था वो काफ़ी सालों पहले करा था, तो अभी तक ये प्लांट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए. अगर हम इनकी कॉन कॉल्स पढ़ेंगे 2015 टू 2016 में, दे साउंडेड वेरी वेरी बुलिश कि हम इस प्लांट को जल्दी ही पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर देंगे. बट 4-5 साल हो चुके हैं और इसकी यूटिलाइजेशन अभी तक ये बढ़ा नहीं पाए. इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज इंडस्ट्री हैज डीग्रोन इटसेल्फ. तो यहाँ पे एंटी फ्रेजिलिटी एलिमेंट भी है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में, डेफिनेटली है, बिकॉज इंडस्ट्री वॉज डी ग्रोइंग एट 15-20%, समटाइम्स इट ऑल्सो डी ग्रो एट 25%, बिकॉज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज वॉज एबल टू मेंटेन द वॉल्यूम्स. बट दिस इज अ सोर्स ऑफ रिस्क एज वेल, क्योंकि अगर इंडस्ट्री इज डी ग्रोइंग, यू आर मेंटेनिंग योर वॉल्यूम्स आर ग्रोइंग वेरी मार्जिनली, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे ग्रोथ का एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है एंड योर ग्रोथ बिकम्स साइक्लिकल. तो जहाँ इनके 50% सेल्स कम फ्रॉम यूरोप, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि लास्ट 2 ईयर्स में एग्रीकल्चर सेगमेंट वॉज इन अ ड्रॉट. वहाँ पे बेसिकली फैमिन और ड्रॉट आ रखा था एग्रीकल्चर एरिया में. ड्रॉट था, बारिश नहीं हो रही थी, मॉनसून वॉज वेरी वीक. सो वॉट हैपेंड वॉज कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का भी जो सेल्स था, सेल वॉल्यूम ग्रोथ हैड टेपर्ड ऑफ. लास्ट 2 ईयर्स में अगर हम इनके यूरोपियन सेगमेंट की सेल देखें तो डैट हैज बीन रियली रियली स्लो, क्योंकि डैट इज डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. एंड वेयर एज इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग सेक्टर में क्या है, दीज आर योर साइक्लिकल इंडस्ट्री बाय द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ. तो ये भी साइक्लिकल सेगमेंट है कि जो अगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में भी कभी कभी बूम होता है कमोडिटी की वजह से, कभी कभी बस्ट होता है. तो लास्ट 5-6 ईयर्स में कोई ऐसा बूम आ ही नहीं रहा माइनिंग सेगमेंट में. एंड कोरोना वायरस और कोविड की वजह से क्या हुआ है कि दिस माइट नॉट कम फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स टू. तो वट बालकृष्णा इंडस्ट्री इज डूइंग दैट दे आर जस्ट विनिंग मार्केट शेयर. इंडस्ट्री का पाए बड़ा नहीं हो रहा, इंडस्ट्री स्टैग्नेंट, तो दे आर जस्ट इंक्रीजिंग देयर ओन पाए. तो यहाँ पे इंडस्ट्री की साइड से कोई भी टेलविंड्स नहीं है, तो इंडस्ट्री की साइड से हेडविंड्स ही हेडविंड्स हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एंड द थर्ड की सोर्स ऑफ रिस्क दैट इज देयर इन द बिजनेस मॉडल टुडे इज दैट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. अब मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की क्यों बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था कि 2007 या 8 में एक ऑफ द हाईवे टायर मैन्युफैक्चरर था विच यूज टू एक्सपोर्ट टायर्स फ्रॉम चाइना टू US. क्योंकि टाइटन इंटरनेशनल वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी इवन देन, क्योंकि उनको लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे. तो वॉट दे डिड दैट दे वेंट टू द US गवर्नमेंट एंड US गवर्नमेंट एक्चुअली लेविड अ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर. तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर नियरली वेंट बस्ट बिकॉज देयर इंटायर बिजनेस वॉज फोकस्ड टू US. एंड सिमिलरली बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ है कि 2017 में टाइटन इंटरनेशनल ने केस करा था US में जस्ट टू लेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी. तो 2017 से लेके 2022 तक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो भी टायर यहाँ से इंडिया से US एक्सपोर्ट करते हैं उनको 5.13% का कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करना पड़ता है. सो दिस इज अ सोर्स ऑफ रिस्क बिकॉज वी आर लिविंग इन अ प्रोटेक्शनिस्ट वर्ल्ड एंड स्पेशली द अमेरिकन पॉलिटिक्स ओवर देयर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर लुक्ड एट विद अ वेरी की सेंस ऑफ पर्पस कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लूज नहीं होनी चाहिए. तो फ्यूचर में ये एक सोर्स ऑफ रिस्क डेफिनेटली प्ले आउट कर सकता है.
Now coming to the financials of the company, first thing we'll do is DuPont of return on equity. तो ROE हम इस कंपनी का देख सकते हैं कि कुछ अभी 19.86% के आसपास है. But what is important to realize in ROE is कि 2011 में इनका जब ROE 25% था, उसमें से इनका 9% सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन था. Whereas जो फाइनेंशियल लेवरेज है, जो इक्विटी मल्टीप्लायर के नेम से जिसको हम जानते हैं, दैट वाज क्लोज टू 2.53 टाइम्स. तो बेसिकली दिस कंपनी टुक अ लॉट ऑफ डेट. Whereas asset turnover ratio was somewhere between 1.13 times. क्योंकि this business is a little asset heavy, तो यहाँ पे asset turns will be always less. But what has happened over the years, अगर हम सिर्फ financial ratios को देखें, जो हमें business story बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि EBITDA per kg from somewhere between mid 30s has expanded to 65 to 68 rupees. Similarly, यहाँ पे क्या हुआ है कि net profit margin 9% से 19.95% पहुंच चुका है. एंड एसेट टर्न्स आपके 0.72 है. एसेट टर्न्स माने ये थोड़ा बिजनेस और एसेट हैवी बन चुका है. वेराज पर इनका जो फाइनेंशियल लेवरेज है, डैट हैज रिड्यूस फ्रॉम 2.53 टाइम्स टू 1.36 टाइम्स. तो एसेट टर्न्स शायद से इस टाइम पे इसलिए ज्यादा लो है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी लो है. बट आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए कि 9% से 19.95% हो गया है. तो जो 10 इयर्स अगो आरओई थी 25%, दैट वाज मिसलीडिंग. पर जो आज 20% की आरओई है, दैट इज एक्चुअली बेटर देन द आरओई दैट वाज 10 इयर्स अगो. मोर ओवर, इफ यू लुक एट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव फ्रॉम 14.4 टाइम्स दैट वाज इन 2011 टिल 107 टाइम्स. तो माने दिस कंपनी इज नियरली डेट फ्री. जो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से दिख रहा है, तो कंपनी का बैंकरप्ट होने का चांस नहीं है क्योंकि डेट बाय इक्विटी भी ऑलमोस्ट 1.54 टाइम्स से 0.19 तक आ चुकी है. अगर हम कंपनी का ROCE भी देखते हैं, तो ROCE इज कंसिस्टेंटली अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर इंडिया में आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10-12% है, तो इनका ROCE भी मोर देन 15-17% ऑन एन एवरेज रहा है. सो दीज आर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. एंड बिफोर लाइक गोइंग टू वैल्यूएशंस, अगर हम इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो की ग्रोथ देखते हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम 59 crores हैज ग्रोन टू 1164 crores इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर. दिस इज ऑल्सो रियली रियली इंटरेस्टिंग टू लुक एट. अगर हम वैल्यूएशंस में देखते हैं, सो दिस कंपनी ट्रेड्स एट अ प्राइस बाय अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ 26-28 times, विच इज एट अ प्रीमियम टू अदर प्लेयर्स इन द सेक्टर. I think this premium is deserved because this business model is not there with the other players. Other players are too cyclical. This is also cyclical, but it is not nearly that cyclical as MRF or Apollo. And coming to the price by cash flow multiple, that is also somewhere between 25 to 26 times. We find price by cash flow multiple to be better than price upon earnings multiple. But hum valuation ko aise use nahi karte. Hum valuation ko business analysis ke saath use karte hain. Hum company ka ROC dekhte hain, ROIC dekhte hain, बिजनेस का नेचर देखते हैं. कभी कभी अगर साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री की साइकिल भी देखते हैं. तो जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं, तो अगर हम इनका स्टॉक प्राइस देखें, तो जब वैल्यूएशंस वर बेसिकली इंडस्ट्री वाज टोटली फ्लैट, तो इवन द स्टॉक चार्ट वाज टोटली फ्लैट. एंड जैसे ही इंडस्ट्री साइकिल पिक्ड अप, what happened was the stock multiplied by 2 to 2.5 times within a short span of 2 to 3 years, like all of us can see. But what happened at the peak of the cycle was, this is where things get very interesting, that Balkrishna Industries announced a capex in the segment of US. मतलब US में इन्होंने capex announce करा कि अब हम इंडिया में प्लांट नहीं लगाएंगे, अगला US में प्लांट लगाएंगे 20,000 MTPA का. अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर US में प्लांट लगता है, तो इनका जो लेबर एडवांटेज था सारा चले जाता, और उसकी वजह से इनका ROCE वारोसी सब कोलैप्स कर जाता. इस वजह से मार्केट का एकदम कॉन्फिडेंस निकल गया कंपनी में से, एंड द स्टॉक लिटरली कोलैप्स्ड, राइट. एंड मोर ओवर इस टाइम पे इंडस्ट्री साइकिल भी अगेंस्ट टर्न हो गई थी, अगेन वॉल्यूम ग्रोथ जा चुकी थी. सो दिस इज हाउ वैल्यूएशंस मूव. जब शैलो साइक्लिकल या साइक्लिकल बिजनेस में है, और स्पेशली वो B2B कंपनी है, तो जो एंड यूजर की ग्रोथ है, उसके हिसाब से ही आपको वैल्यूएशन मिलता है. अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली इनका वैल्यूएशन शायद से वापस ऊपर आया है. मे बी मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द वॉल्यूम्स टू रिकवर, राइट. क्योंकि इस बार अगर हम जुलाई का एक्सपोर्ट डेटा देखते हैं, तो 33% ग्रोथ आई है ऑफ द हाईवे टायर की एक्सपोर्ट की इंडिया से. सो दिस इज वाई वैल्यूएशंस नेवर ऑपरेट इन अ वैक्यूम. एंड लास्ट टाइम पीक साइकिल में दे गॉट अ प्राइस बाय अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ 40-41 times, एंड अभी 27-28 times का मिल रहा है. वेयर एज ट्रॉफ साइकिल में जब इनकी साइकिल सबसे गंदी थी, तब इनको 16-17 times का प्राइस अपॉन अर्निंग्स मल्टीपल मिल रहा था. तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इट सीम्स टू बी फेयरली वैल्यूड एज ऑफ नाउ, राइट.
So this was the valuation analysis of Balkrishna Industries. And guys, in the comment section below, we have mentioned the entire infographics in a story form. कि अगर आप कभी इस वीडियो को रिवाइज करना चाहें तो आप वो इन्फोग्राफिक्स देख के ही कंपनी को रिवाइज कर सकते हैं. एंड अगली वीडियो में आप मेरे को जरूर बताइए कि आप लॉरस लैब्स का देखना चाहेंगे स्टॉक एनालिसिस या सीक्वेंट साइंटिफिक का देखना चाहेंगे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.